ये चाट है गर्मा गर्म, इसमें चटनी है, दही है और टमाटर की चटनी है। ये क्या बना दिया यार, तीनों तरह की चटनियाँ दे दी हैं, चटनी और दही और साथ में नमक, कि हम अपने फ्लेवर के अनुसार अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। मधुमिता चाट की तरफ जा रही है, चाट ने उनको लच्चा दिया है, चाट ने स्पीड तो हो गई। अभी इसके अंदर सब कुछ इंग्रेडिएंट्स होगा, दही, छोले पड़ चुके हैं, चटनी इमली की, और ये किसकी चटनी है, टमाटर की, ये टमाटर की चटनी है। अच्छा, ये कुरमुरे हो गए जिसे हम लोग दालमोट भी बोलते हैं, ये प्याज और मिर्ची, प्याज मिर्ची, और आपके पास भी आएगा, चिंता मत कीजिए, अभी तो पहले उन लोगों को दे दें। ये है हमारा, हाँ अभी दोनों टिक्की है, और वहाँ से बनकर आया है यहाँ पर, और एक प्लेट है इधर, और हमें इंतज़ार है अब पापड़ी चाट का। पापड़ी चाट बन रहा है, हम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक मधुमिता जी के लिए पापड़ी चाट नहीं आ जाए, नहीं तो मधुमिता जी नाराज़ हो जाएंगे। पापड़ी चाट, पापड़ी चाट, पापड़ी चाट, पापड़ी चाट आ रहा है, ये आ गया पापड़ी चाट मधुमिता के लिए, ये आया पापड़ी चाट, ये पापड़ी चाट आ गया है, और मधुमिता के चेहरे की खुशी यहाँ पर है, ये है खुशी, ये है पापड़ी चाट, ये है टिक्की चाट, और ये भी है टिक्की चाट हमारा। ये तीनों मिलते हैं, मिल गए तीनों, ये इस तरह से मिल गए। चलिए बाइट लीजिए आप दोनों, डाला है डाला है, क्या बना दिया यार, क्या बना दिया यार। ये देखिए अभी जो अच्छी बात हुई है कि जब हमने बात की इनके साथ, एक अच्छी बात है कि इन्होंने एक प्लेट में ये तीनों तरह की चटनियाँ दे दी हैं, चटनी और दही और साथ में नमक, कि हम अपने फ्लेवर के अनुसार अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आप अपनी जीभ के स्वाद अनुसार आप अपनी चीज़ों में कॉम्बिनेशन इसे बना सकते हैं, तो ये बात, ये अच्छी बात हुई। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा, मैं दही डाल रहा हूँ, और इसमें मैं टमाटर की चटनी और भी डाल रहा हूँ, और ये मुझे टमाटर की भी चटनी चाहिए थोड़ी सी। इसमें एक चीज़ की कमी है, वो धनिया की चटनी की, धनिया पत्ते की चटनी रहने से इसका फ्लेवर कुछ और होता। नमक हमें, देखिए नमक कहा था, हमें नमक दे दिया है, ये सी सॉल्ट दे दिया है, जबकि ब्लैक सॉल्ट आता है इसको चाट के लिए। अब जो है ये मधुमिता का प्लेट है, ये मधुमिता का प्लेट है जिसमें अच्छा लग रहा है उसे, और मुझे भी अच्छा लग रहा है अभी फ्लेवर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चाट में जब तक चटनी और दही पर्याप्त मात्रा में ना हो तो मज़ा नहीं आएगा।